खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार। मैं इतने हफ्तों से, इतने एपिसोड से, इतने प्यार से आपको नमस्कार करता आ रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, और इस प्यार की निशानी मैं आपको बताता हूं आज इस चाइनीज एपिसोड से। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आपको चाइनीज डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। शुरुआत हम करेंगे जेड चिकन सूप से। दो चिकन ब्रेस्ट बोनलेस, 10 से 12 पालक के पत्ते, एक छोटा चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 4 कप स्टॉक, आधा छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर और चुटकी भर अजीनोमोटो, नमक स्वादानुसार। जेड चिकन सूप जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है हरा होगा, और ये हरा होगा पालक के पत्तों से। आपने देखा होगा मैं जो भी डिशेस बनाता हूँ उसके अंदर पालक कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। वो इसलिए क्योंकि पर्सनली मुझे पालक बहुत पसंद है। पालक के पत्ते ले लें, अच्छी तरह से धो लें और गर्म पानी के अंदर उसको ब्लांच करेंगे हम। खुले बर्तन के अंदर जिसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, इसमें थोड़ा सा नमक डालें और इसको बहुत जरा सा, हमने सिर्फ रंग इसका चेंज करना है, यानी इसको और हरा करना है। ये देखिए, और इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे ताकि इसका जो हरा रंग है वो हरा ही रहे। उसको रिफ्रेश करने के लिए एक बर्तन के अंदर आप बर्फ ले लें और उसके अंदर पानी डालें। अब ये देखिए, ये जो रंग है वो एकदम अच्छा हरा हो गया है। तो इन पत्तों को निकाल लें और ठंडे पानी में डाल दें। ये देखिए, जो हरा रंग है ये बहुत ही अच्छा हरा रंग, जो एकदम हरा लगता है वैसा है। और इसको इसके अंदर थोड़ी देर रहने दें। तब तक जो चिकन है बोनलेस ब्रेस्ट उसको हम काटेंगे। इसका हमने कीमा बनाना है, तो इसको काट के उसके बाद इसको हम पीट देंगे। एक कढ़ाई के अंदर आप थोड़ा सा तेल ले लें, और ये जो चिकन का कीमा उसको इसमें डालें। इसको सिर्फ हल्का सा हमने फ्राई करना है, और इसके बाद इसमें थोड़ा नमक, अजीनोमोटो, वाइट पेपर पाउडर और थोड़ी सी सोया सॉस। सोया सॉस बहुत थोड़ी सी डाली है हमने इसके अंदर, और इसको एक बार फिर हल्के हाथ से हिला लें। आप चाहें तो इसमें अजीनोमोटो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल नहीं भी करें। अब इसके बाद इसमें चिकन स्टॉक डाल दें। और इसमें उबाल आने दें। तब तक जो पालक है वो एकदम ठंडी हो चुकी होगी, उसको आप ले लें और इसमें से अच्छी तरह से पानी निकाल दें। और उसके बाद जिस तरह से हमने चिकन को मिंस किया था, इस पालक को भी करेंगे। इसको रफली चॉप करना है हमने, इसका जो है कीमा बनाना है, लेकिन एकदम पेस्ट नहीं करना है इसको। एक बोल के अंदर कॉर्नफ्लावर पाउडर को घोल लें, क्योंकि जो सूप की थिकनिंग है उसको हम कॉर्नफ्लावर से करेंगे। इसमें पोटैटो पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। जब इसमें उबाल आने लग जाए तो उसके बाद ये जो हमने कॉर्नफ्लावर पाउडर डाला है उसको इसके अंदर डालेंगे और इसको हिलाएं।
क्योंकि सूप है तो काफी थिक अच्छा लगता है। और इसके बाद जब इसमें एक बार फिर से उबाला आने लग जाए तो लास्ट में इसमें हम ये जो पालक है उसको डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें सोया सॉस को ओमिट कर सकते हैं तो एकदम सफ़ेद कलर लगेगा, लेकिन थोड़ी सी सोया सॉस डालने से इसमें अलग रंग आ जाता है। अभी भी ये थोड़ा पतला है तो इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डालेंगे। थोड़ी सोया सॉस डालने से ये जो चिकन है वो भी इसके अंदर साफ नजर आता है। और इसके बाद इसमें हमने अंडे की सफेदी डालनी है, यानी उसमें जो एग योक है उसे निकाल देना है। अंडे की सफेदी को हल्का सा बीट कर लें और उसके बाद इसमें इस तरह से डालें और नीचे इसको हिलाते रहें। ये देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है, ये जो सफेद है। यदि हमने इसमें सोया सॉस नहीं डाली होती तो ये जो सफेद है, अंडा की जो सफेदी है वो इतनी अच्छी नहीं उभर के आती। आप चाहें तो इस सूप में ये जो पालक है इसको अच्छी तरह से भी मिंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पालक इस तरह से थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से ये सूप बनाएं। जे चिकन सूप। इंटरेस्टिंग जेट चिकन सूप था, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, उससे भी ज्यादा पॉपुलर ये डिश है, अमेरिकन चॉप सुई। जी हाँ, चाइना और अमेरिका से भी ज्यादा पॉपुलर यहां पर है अमेरिकन चॉप सुई, जिसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम स्टीम नूडल, 2 कप श्रेडेड कैबेज, 1 कप टोमेटो केचप, 1 कप श्रेडेड गाजर, आधा कप श्रेडेड कैप्सिकम, आधा कप स्लाइस्ड प्याज, आधा कप टोमेटो जूलियन, नमक स्वादानुसार, चुटकी भर MSG, तलने के लिए तेल, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच चीनी और 1 बड़ा चम्मच विनेगर। ये जो अमेरिकन चॉप सुई की रेसिपी है, यहाँ पर मैं आपको वेजिटेरियन दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको नॉन वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, उसमें मीट, अंडा, जो आपकी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। इसके लिए आप पहले नूडल ले लें। ये नूडल्स आपको इस शेप में मिलते हैं, ड्राइड फॉर्म में। आप इसको स्टीम कर लें या फिर आप इसको पानी के अंदर हल्का उबाल लें, पूरा नहीं पकाना है इसे। और उसके बाद जब आप इसको हल्का उबाल लें तो ये कुछ इस तरह के लगेंगे। आप देखेंगे यदि आप इसको पूरा नहीं पकाएंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और उसके बाद इसे आपने तेल के अंदर फ्राई करना है। तेल को एकदम गर्म कर लें। क्योंकि इसे हमने स्टीम किया है तो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसलिए ये इतना ऊपर इस तरह से उठ रहा है। इसको हमने फ्राई करना है और इसको जब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए, यानी इसको कुरमुरा होना चाहिए। उसके बाद एक कढ़ाई में, जितनी भी चाइनीज कुकिंग होती है वॉक के अंदर होती है इस तरह की कढ़ाई वो लगती है, उसके अंदर थोड़ा तेल डालेंगे हम। ये तेल अभी गर्म हो गया है। इसके अंदर प्याज, आप चाहें तो इसके अंदर स्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो हरे प्याज रहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर
बीन्स डालें, फ्रेंच बीन्स जिनको पतला पतला काटा गया है, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और गाजर। इन सब चीजों को खिला लें। थोड़ा सा हिलाने के बाद इसके अंदर कैबेज यानी पत्ता गोभी डालें, पत्ता गोभी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा इसके अंदर। अभी देखिए ये जो नूडल्स हैं ये एकदम क्रिस्प हो गए हैं और इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये जो सब्जियां हैं इनको थोड़ा हिला लें, टॉस कर लें इसको, और इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। पानी इतना कि जितनी इसमें सॉस बननी है तो उस हिसाब से पानी डालें इसके अंदर। और इसके साथ इसमें डालें टोमेटो केचप। इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा खट्टा मीठा होता है, टोमेटो केचप का टेस्ट भी वैसा ही रहता है। और बाकी चीजें जैसे इसमें नमक, MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो डालें, थोड़ी चीनी, जबकि टोमेटो केचप के अंदर चीनी काफी होती है लेकिन उसके अलावा भी थोड़ी सी चीनी आपको लगेगी इसके अंदर। अभी इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डालना है, कॉर्नफ्लावर थिकन करने के लिए यानी इसको गाढ़ा करने के लिए। और कॉर्नफ्लावर जैसे कि बाकी चाइनीज डिशेस के अंदर पानी में घोल के फिर डाला जाता है, उसी तरह से हम इसमें डालेंगे। और जब इसके अंदर उबाला आ जाए तो उसके बाद इसमें टमाटर के स्लाइस डालें थोड़े, आप चाहें तो इन टमाटर में से पहले उसके बीज निकाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा कैप्सिकम और यानी शिमला मिर्च और, ताकि जो क्रंची टेस्ट है वो इसके अंदर रहे। पहले जो हमने शिमला मिर्च डाली थी वो उतनी क्रंची नहीं रहेगी लेकिन उसका जो फ्लेवर है वो सॉस के अंदर आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो टेस्ट है थोड़ा खट्टा और मीठा होता है, तो इसको खट्टा करने के लिए हम इसमें विनेगर डालेंगे, विनेगर यानी सिरका। इसको लास्ट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि यदि आप इसे पहले डालेंगे तो ये गर्म होते होते जो सारा है उड़ जाएगा और खटाई उसमें नहीं रहेगी। इसके बाद जिस डिश में आपने इसे सर्व करना हो उसके अंदर ये जो फ्राइड नूडल्स हैं जो क्रिस्प हैं एकदम, उसको रखें। वो जो प्लेट है थोड़ी गहरी होनी चाहिए, आप किसी बोल के अंदर भी रख सकते हैं। ये नूडल्स को इसके अंदर रख दें और उसके बाद ये जो सॉस हमने बनाई है उसको इसके अंदर डालेंगे। ये ऊपर से डाल दें इसके ऊपर। इसके अंदर सब सब्जियां भी हैं और सॉस भी है और टेस्ट भी है। आप इसके अंदर जितनी भी सॉस डालना चाहें डाल सकते हैं। जब आप इस सॉस को इसके ऊपर डाल दें
उसके बाद इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको कुछ सजाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से पेश कीजिए या खुद खाइए। अमेरिकन चॉपसी के बाद मैं आपको एक ऐसी डिश बताऊंगा जो मीठी है और चाइनीज है। जी हाँ, हमें ऐसी डिशेस बहुत कम पता हैं जो चाइनीज हैं और मीठी हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है टॉफ़ी, फ्रूट टॉफीज। अभी मैं आपको बताऊंगा बनाना टॉफ़ी। इसके लिए हमें चाहिए 4 केले, 6 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, 3 बड़े चम्मच मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, तलने के लिए तेल और चाशनी के लिए 1 कप चीनी। फ्रूट टॉफ़ी के लिए आप किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। केला क्योंकि हर सीज़न में मिलता है, हर जगह मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बनाना टॉफ़ी बनाई जाए। इसके लिए आप केला ले लें, जो नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। उसके बाद उस केले को छील लें। यदि केला नरम निकले तो आप उसको खा लें, टॉफ़ी आप थोड़े से सख्त केले की बनाएं। अब इसके आप पीसेस काट लें। इसके बाद हम बैटर बनाएंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और अंडे का। जो मैदा है, यदि उसकी क्वांटिटी आपने 1 ली है तो उससे दुगना कॉर्नफ्लावर लें आप। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें, साथ में इसमें डालें बेकिंग पाउडर और इनको सूखा ही अच्छी तरह से मिला लें। आप चाहें तो छन्नी में से इन सब चीजों को छान भी सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएं, उसके बाद इसमें आप अंडा डालें। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसके अंदर। क्योंकि ये मीठी चीज है तो इसमें थोड़ी सी हम चीनी भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको हमने बैटर बनाना है और ये जो केले हैं इसको डिप करके फ्राई करना है हमने, इसलिए एक कढ़ाई में आप तेल को गर्म कर लें और ये जो बैटर है थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेते हैं। इसके बाद इस बैटर के अंदर हम इस केले को डिप करके फ्राई करेंगे। ये जो पीक्स निकल रही हैं इसकी, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैटर इस तरह का है कि आएंगे ही। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम चीनी को पका लेते हैं। एक बर्तन में चीनी ले लें और उसके अंदर जितनी चीनी है उतना ही पानी डालें और उसको पकाएं। ये देखिए हल्का सा लाल रंग आया है इसके अंदर। जैसे हमारे खाने के अंदर भी हम चाशनी बनाते हैं, उसमें देखते हैं 1 तार की चीनी है जो चाशनी है, उसमें 1 तार बनती है या 2 तार, उसी तरह से टॉफ़ी के लिए भी हमें करीब सेमी हार्ड क्रैक, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उस तरह से हमने चीनी को पकाना है। जब इस चीनी के अंदर से पानी निकल जाए यानी पानी वेपोरेट हो जाए तो इसका मतलब है ये चीनी पक चुकी है उस स्टेज तक जहां पर हमें चाहिए टॉफी बनने के लिए।
अब आप देखेंगे इसका कलर हल्का चेंज होना शुरू हो चुका होगा, लेकिन हमने इसको एकदम कैरमलाइज नहीं करना है। इस समय आप ये जो केले हैं उसको इसके अंदर डाल दें। और इस चीनी को आप अच्छी तरह से लपेट लें केलों के ऊपर। जब इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए तो एक बर्तन ले लें जिसके अंदर पानी हो बर्फ वाला एकदम चिल्ड, और उसके बाद इन पीसीज को उसके अंदर डालें। ये देखिए इस समय ये जो चीनी है इसके ऊपर वो पूरी तरह से लग चुकी है, और ये देखिए आपको आवाज आएगी, ये काफी इस वक्त सख्त है। और ये तैयार हो गई है बनाना टॉफी। आप यदि देखना चाहें तो ये जो चीनी है आप यदि इसके अंदर डालेंगे तो कितनी वो सख्त हो जाएगी। ये देखिए चीनी इस समय काफी सख्त हो चुकी है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोस्टेड सेसमी सीड यानी कि तिल जिसको रोस्ट किया गया है उसे भी डाल सकते हैं। आप इसको खा के देखेंगे, जैसे मैंने आपको चीनी ये बना के दिखाई है तो एकदम कड़क होगी, एकदम टॉफी की तरह होगी। इस टॉफी का आनंद लीजिए केले के साथ।